AIEEE, जब ये AIEEE होता था तो उसमें 2008 का क्वेश्चन है, बोलता है लेट लेट आई इक्वल्स टू 0 टू 1 साइन एक्स बाय रूट एक्स डीएक्स एंड जे इक्वल्स टू 0 टू 1 द सेम 0 टू 1 कॉस एक्स बाय रूट एक्स डीएक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। और इसने ऑप्शंस दे रखे हैं, आई इज ग्रेटर देन 2/3, जे इज ग्रेटर देन 2, बी ऑप्शन आई इज लेस देन 2/3 एंड जे इज लेस देन 2, सी ऑप्शन आई इज लेस देन 2/3 एंड जे इज ग्रेटर देन 2 एंड डी ऑप्शन आई इज ग्रेटर देन 2/3 एंड जे इज लेस देन 2। ये देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से है। अब इसमें मेन पॉइंट जो लगेगा वो मैंने प्रॉपर्टी वन बताई थी, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स है हो तो उसमें सेम अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में उसकी वैल्यू को प्लेस करें तो हमें फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें आई और जे, इसमें पूरे में इसको इनइक्वलिटी से ये शो कर रहा है। तो देखिए पहले बात की जाए इसकी साइन एक्स की, साइन एक्स बाय रूट एक्स, राइट। और इसको हम लेस देन लिख सकते हैं बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ होता है दिस इज लाइज एट द पाई बाई टू पे। पाई बाई टू मीन्स दिस इज अराउंड 1.57, 1.57 पे ये वन वैल्यू लेता है और इस तरह से जाता है ग्राफ। जबकि y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो है, दिस इज द y इक्वल्स टू x ग्राफ, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट, और रूट एक्स से ये डिवाइड ही कर रहा है। तो अब एक काम करेंगे कि इसको क्या हम x बाय रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स इज बोथ साइड कॉमन, वी कैन राइट द साइन एक्स इज लेस देन एक्स फ्रॉम 0 टू 1। यहाँ पे ये बात कर रहा था 0 टू 1.57 पे वन वैल्यू लेता है ये, लेकिन हम सपोज अप टू वन तक की बात करें, 0 से 1 में भी वही बात होगी, 0 से 1 में भी आपका जो x वाली वैल्यू है दैट इज साइन एक्स इज लेस देन एक्स, राइट। और इस पे हम डायरेक्टली इनइक्वलिटी प्रेस कर देंगे एंड जैसे ही डेफिनेट इंडिकेशन में इसको ले लेंगे एंड दिस पोर्शन इज आई, आई इज लेस देन एंड देन वी कैन इवेल्युएट दिस वन। वही मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, दिस इज रूट एक्स डीएक्स, डीएक्स लिख देंगे, नाउ इट इज सिंपली एन रूट एक्स, रूट एक्स मीन्स आई इज लेस देन एक्स टू द पावर 3/2 एंड 2/3, और लिमिट प्लेस होगी इसमें एक्स टू पावर 3/2 लिखा जाए, 3/2 लिमिट प्लेस करेंगे 0 टू 1, सो आई इज लेस देन 2/3, एक्स हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 टू द पावर 2/3 1 0, सो इट गिव द 1, सो आई इज लेस देन 2/3। अब आई इज लेस देन 2/3 तो आई इज लेस देन 2/3 बी और सी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब जे को भी हमें चेकआउट चेक करना ही पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए आप इस पे जे जे वाले फंक्शन पे, कॉस एक्स को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, कॉस एक्स पे ध्यान रखिए कॉस एक्स का फंक्शन 1 पे 0 पे 1 वैल्यू दे रहा होता है, तो कॉस एक्स को हमेशा लेस देन 1 लिखा जाता है। एज इसके लिए जो डिस्कशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉस एक्स इज डिवाइडेड बाय रूट एक्स, राइट, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन रूट एक्स। सी रूट एक्स बोथ साइड कॉमन, रूट एक्स बोथ साइड कॉमन व्हिच इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, तो 0 टू 1 के बीच में कुछ भी रूट एक्स हो तो वो तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो इस बीच में जो कॉस एक्स है, बेसिकली पॉइंट ये आया कि आप कॉस एक्स और 1 को कंपेयर कर रहे हो, सो कॉस एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस वी नो, राइट। तो जब ये पता है तो अब आप इसको डायरेक्टली इस पे इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, 0 टू 1 dx एंड दिस इज 0 टू 1 dx, राइट, ये आपका हो जाता है j इज लेस देन एंड x टू द पावर दिस इज रूट एक्स, सो बेसिकली माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा और हाफ हो जाएगा, ठीक है ना,
एक्स टू दी पावर हाफ होगा एंड डिवाइडेड इंटू टू हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे इसको जीरो टू वन, एक्स टू दी पावर माइनस हाफ है, एक्स हाफ नीचे है, हाफ नेगेटिव होगा, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन दिस इज पॉजिटिव हाफ, दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस, और इसकी वैल्यू को ले लेंगे. सो जे इज ऑलवेज लेस देन, जे इज लेस देन टू, जे इज लेस देन टू. तो इस तरह से हम डिसाइड कर पाए हैं कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा. ये हमारी इनइक्वालिटी का यूज था, और ये आपको बात समझ आई होगी कि किस तरह से हम दोनों साइड की वैल्यूज का जजमेंट ले लेते हैं. जो बीच में मिडल में फंक्शन गिवन होता है दैट इज नॉट इंटीग्रेबल, डेफिनेट इंटीग्रल में उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि उसको इनइक्वालिटी बेस्ड क्रिएट करके इधर ग्रेटेस्ट साइड और लोएस्ट साइड वाले जो दोनों वैल्यूज हैं वो निकाली जा सकती हैं. जब वो निकल जाती हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को जिसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में वर्कआउट करना है उसके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है कि वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है या किस टाइप की इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, ये आप इजीली निकाल सकते हैं. स्किप.